फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी आज की वीडियो टीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, सिंस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड इन द क्लासरूम। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 5 पार्ट्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहते हैं तो TOC गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टाइमिंग देख कर देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Greetings. Good morning, everyone. Hello, everyone. How are you? How are you doing? How are you and how are you doing? दोनों का ही मतलब होता है आप कैसे हैं। तो फिर इनमें difference क्या है ये भी समझ लेते हैं। How are you formal हो जाता है, लेकिन how are you doing ये थोड़ा कैजुअल हो जाता है। इट मेक मोर फ्रेंडली, यू कैन यूज इट विद एनीवन। हाउ आर थिंग्स, इसे आप तब यूज करेंगे जब आप जानना चाहते हो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन नॉट इन डिटेल। व्हाट हैव यू बीन अप टू, यानी कि अभी तक आपने क्या किया है, नौकरी में अभी तक आपने क्या किया है, पढ़ाई में अभी तक आपने क्या किया। अगर इस तरह से आप कुछ पूछना चाहते हो देन यू कैन यूज दिस सेंटेंस, ओके। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आप पहले से ही टीचर है तो आप इस सेंटेंस को यूज करिए, अदरवाइज मत करिए। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, यानी कि आप कैसे कर रहे हैं। इसे आप तब यूज करेंगे जब आप किसी से कई दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद मिल रहे हो, ये जानने के लिए कि वो अपनी पढ़ाई या नौकरी में कैसा कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। आई एम काव्या, योर न्यू कंप्यूटर टीचर। मैं काव्या, आपकी नई कंप्यूटर टीचर। आई विल बी टीचिंग यू कंप्यूटर दिस ईयर, इस साल मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगी। अब बारी आती है अटेंडेंस की। नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस, अब मैं आपकी हाजिरी लेने वाली हूँ। हु इज एबसेंट टूडे, आज कौन नहीं आया। क्लास बी अटेंटिव, नाउ आई कॉल योर रोल नंबर। क्लास ध्यान दीजिए, मैं आपके रोल नंबर बोलने वाली हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद कुणाल, कुणाल के साथ क्या प्रॉब्लम है, यानी कि कोई स्टूडेंट कई दिनों से नहीं आ रहा तो आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद कुणाल, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद रिया। हु इजंट हियर टुडे, आज यहाँ कौन नहीं है। इजंट कंट्रेक्शन है इज और नॉट का, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। हु इजंट इन द क्लास टुडे। टाइम टू बिगिन, इट्स टाइम टू बिगिन, यह शुरू करने का समय है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 3, हम चैप्टर 3 से शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन, चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। Now we can get down to work, अब हम काम शुरू कर सकते हैं। Get down to work एक idiom होता है जिसका मतलब होता है काम शुरू करना। आप इसे किसी मीटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज आप मीटिंग लेने वाले हैं और अभी सारे बंदे नहीं हैं और सभी आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं Now we can get down to work। Students, it's study time। Students, यह पढ़ाई का समय है। लेट्स लर्न थ्रू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, चलो एक मज़ेदार गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। अगर आप क्लास शुरू होने से पहले बच्चों को ये कहते हैं कि चलो ध्यान कर लेते हैं, हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था, देख लेते हैं कि आपको कितना याद है, तो आप इस लाइन को बोलेंगे लेट्स रिव्यू द लास्ट लेसन। कैसे बोलेंगे, लेट्स रिव्यू द लास्ट लेसन। कई बार क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता तो आप रिव्यू करने की बजाय बच्चों से पूछते हैं कि पिछली क्लास में जो पढ़ा था हमने उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसे आप देखो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वॉन्ट टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द लास्ट क्लास। ओपन योर बुक टू पेज नंबर 7 और ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर अपनी किताब खोलें। डिसिप्लिन, नो नॉइस, आवाज नहीं। कई बार क्या होता है बच्चे क्लास में धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, खुसर फुसर कर रहे होते हैं। अगर आप कहना चाहते हो खुसर फुसर नहीं,
इसे हम इंग्लिश में कहेंगे नो विस्परिंग. कांट यू सिट क्वाइटली, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? वट आर यू लुकिंग देयर, आप वहाँ क्या देख रहे हो? योर वॉइस शुडंट कम आउट ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के बाहर आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए. डोंट टॉक, बात मत करो. यू वॉन्ट मूव फ्रॉम हियर, आप यहाँ से नहीं हिलेंगे. डू योर ओन बिजनेस, अपना काम करो. स्टॉप दैट नॉनसेंस, बेकार की बातें बंद करो. कम एंड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, आओ और पहले बेंच पर बैठो. इट इज़ नॉट गुड टू बी रूड विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ असभ्य होना अच्छा नहीं है. डोंट डिस्टर्ब योर नेबर्स, अपने साथ वालों को तंग मत करो. इफ आई कैच यू टॉकिंग देन आई विल सेंड यू आउट ऑफ द क्लासरूम, अगर मैंने आपको बात करते हुए पकड़ा तो मैं आपको कक्षा के बाहर भेज दूंगी. डोंट रेज योर वॉइस, अपनी आवाज ऊंची मत करो. स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो. यू शुडंट बिहेव लाइक दिस, तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. गेट इन टू अ क्यू, लाइन में आओ. फॉर्म अ क्यू एंड वेट फॉर द बेल, लाइन बनाओ और बेल होने का इंतजार करो. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय.